सीटीयू का ऑफिशियल सर्कुलर निकल के आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें दिया गया टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डीसी फॉर प्रोग्रेस रिव्यू। तो आप वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा। तो उसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जो टेंटेटिव पूरा लिस्ट दी गई है, उसमें सारे नाम्स वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर देखिए पीएचडी अनुसंधान डिग्री समिति आरडीसी की बैठकें, प्रगति समीक्षा के लिए पीएचडी स्कॉलर जो रिसर्चर हैं उनके ऑनलाइन आरडीसी की अस्थायी अनुसूची एकेटीयू ने संलग्न करके भेज दिया है, जो कि जोड़ने हरियाणी उसको जो है जो कुछ करना है आपको उसका प्रोफार्मा और पीएचडी विद्यार्थियों के लिए 5 साल से अधिक समय से विस्तार को आरडीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नई लिस्ट जारी की गई है। तो उसका लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफिशियल सर्कुलर, यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ पीएचडी रिसर्च डिग्री कमेटी आरडीसी मीटिंग करके यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ टेंटेटिव शेड्यूल आरडीसी ऑनलाइन होगा जो कुछ होगा, और यहाँ पे सब कुछ दिया गया 22/10/2021 एंड 23/10/2021। उसके बाद यहाँ से सीरियल नंबर ऑफ यानी यहाँ पे से आपको डेट दी गई, यहाँ से इन लोगों की आरडीसी होगी, यहाँ से आपको फाइल नंबर मिल जाएगा, फुल नेम मिल जाएगा और स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ से 16 पेज का तो मैं सभी का नाम और आईडी तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे ज्वाइन होकर मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया तो मैंने ट्वीट किया है तो रिट्वीट आप लोगों को करना है, जो अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो तो रिट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा, रिट्वीट कम से कम 1000 ट्वीट और रिट्वीट हो जाना चाहिए ताकि एक ही ट्यूब कम से कम कान में जू रहेगी और छात्रों का रिजल्ट जारी करे। तो आप लोग रिट्वीट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।